क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी ट्वेल्थ कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा ये है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं, तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है, तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाली की रिक्वायरमेंट है, पर वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200+ वीडियो जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200+ वीडियोज में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाई स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से, जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम एक हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा, बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है, उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जैसे ही सेकेंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड नया टॉपिक है और वो है फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स। डिजिटल मार्केटिंग और किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब आप कोई सेल्स के लिए कॉल करते हो, सेल्स के लिए एड कॉपी बनाते हो, किसी भी प्रकार का वेबसाइट में कोई हेडिंग देते हो, कोई कंटेंट देते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल आप बता रहे होते हो, है ना, वो कोई भी हो सकता है, वो एक LIC का एजेंट भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो जो डिजिटल एजेंसी मान लीजिए चलाने की सोच रहे हो, जहां पर आपको भी आपके क्लाइंट बनाना है, कोई बिजनेसमैन है उसको क्लाइंट बनाना कि भाई आप अपने बिजनेस को डिजिटली जो है वो प्रमोट करिए, तो उस समय आपको क्या चीज उसको बोलना है उसके बारे में हम देखेंगे और वो है फीचर्स वर्सेस बेनिफिट। आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से लोगों को समझाना है उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा। इस सारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखने के बाद आपका दिमाग इतना हल्का हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो समस्याएं अंदर चल रही थी वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो गई, अब मैं कोई भी काम को बड़ी आसानी से कर पाऊंगा। तो फीचर्स और बेनिफिट, अब आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसे आप वीडियो के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को नॉर्मली आप बतला रहे हैं, दो चीजें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, एक होता फीचर एक होता बेनिफिट्स। कस्टमर को बेनिफिट्स बतलाना है या आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट्स दोनों को अलग अलग रखने हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक अम्ब्रेला की पिक्चर बनी हुई है, इस अम्ब्रेला की पिक्चर में यदि आप अम्ब्रेला बनाने वाली कंपनी आप कस्टमर को बेच रहे हैं, आप बोलेंगे कि ये लकड़ी का बना हुआ मजबूत है, तो कस्टमर बोलेगा ठीक है भैया लकड़ी का बना सो वॉट, मतलब मैं क्या करूँ लकड़ी का बना है। तो उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर देखे ये भी किसी मेटल का बना हुआ है, उसके बाद बोलोगे इसका कलर अच्छा है, ठीक है, तो वो बोलेगा सो वॉट भैया मैं क्या करूं, इसका कलर अच्छा है, इसमें डंडी अच्छी लगी है, मजबूत लगी है, कि इसमें क्या अच्छा है। तो ये हुए उस प्रोडक्ट के फीचर। इसी प्रकार से बेनिफिट्स क्या हुए इसके, सर इसमें बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आएगी अंदर, आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, छाते को नहीं बेच रहे बेनिफिट्स को बेच रहे, पानी आपका दूसरे छाते में बहुत आजू बाजू पानी आता आप गीले हो जाते हो, लेकिन इससे बिल्कुल अंदर पानी नहीं आएगा, आप बिल्कुल सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, अच्छा महसूस करोगे। तो ये क्या आप बेच रहे हो, उसके बेनिफिट्स बेच रहे हो, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है आप लिखिए उसको, नोट कीजिए, बिल्कुल आपको बहुत प्रोडक्ट की तारीफ करना है ना उसके फीचर में उसको डाल लीजिए, जितना तारीफ कर सकते हैं तारीफ कर लीजिए, लेकिन अब उन तारीफ के द्वारा बहुत तारीफ कीजिए अपने फीचर्स में जाकर के, लेकिन हर एक तारीफ को कन्वर्ट कीजिए कि उससे हमारे कस्टमर का क्या फायदा हो रहा है, उसको पूरा लिख लीजिए अलग से। अब कस्टमर को ज्यादातर प्रमोट करना है किसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, और फिर नॉर्मल फीचर बतला देना है, फीचर तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, मतलब दोनों चीजों को अलग अलग बतलाना है। और जब भी हम इस प्रकार की एड कॉपी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर बेनिफिट्स ही बतलाते हैं, जो रियल एस्टेट वाले हैं वो बिल्डिंग नहीं सेल करते हैं, वो क्या सेल करते हैं, सर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा गार्डन, आप मॉर्निंग वॉक करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सर ये रूम बहुत कंफर्टेबल आपके लिए रहेगा, बाहर खोल के दिखाएंगे देखिए यहाँ से नज़ारा, समुद्र का नज़ारा, बात समझ रहे हो, उसको वो खुशी दिखा रहे हैं कि आपको ये खुशी मिलेगी।
अब आप इस तरीके से ना टीवी के ऐड देखिएगा, अभी तक आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। अब आप ऐड आता था टीवी चैनल बदल देते थे, अब आप जरा हर एक ऐड को बड़ा ध्यान से देखिए, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने की बात नहीं कर रहा है, सब वो ये बोल रहे हैं जो भी उसके फायदे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? साबुन के बारे में, इसमें ये केमिकल मिला है, इसमें ये है, ऐसा नहीं है। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके फायदे में, कि लाइफ बॉय से नहाओ और तंदुरुस्ती आ जाएगी। अब वो आएगी कि नहीं आएगी वो अलग बात है। डब सोप चला था, उसमें ये बतला रहे कि डब सोप ऐसा बना है, वाइट है, इसमें हमने इतने प्रकार के केमिकल मिलाए हुए, ऐसा वैसा कुछ नहीं। उसमें एक वो लेडीज आती बोलती कि उसकी त्वचा जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई। तो वो क्या बेच रहे हैं? बेनिफिट्स बतला रहे हैं कस्टमर को। तो बस इसी तरीके से आप कोई इमेज बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, या कोई भी सेल्स एड कॉपी लिख रहे होंगे, वेबसाइट में कोई कंटेंट बना रहे होंगे, तो आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के दोनों चीजों को अलग अलग रख लेना है, फीचर वर्सेस बेनिफिट्स को। बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है जो ये कंपनीज होती है ना, जो इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रही हैं, वो सब इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। वही सारा कुछ है मार्केटिंग फंडामेंटल में आप सीख रहे हैं। इन सारी चीज़ों को यदि आप लेकर के आ गए अपने अंदर, तो समझ लीजिए आपको कोई भी बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप खड़े होकर के ना कहीं पर मोबाइल भी बेचेंगे तो आप बड़े आराम से बेच पाएंगे। आप बोलेंगे उससे, अब ये बोलेंगे सीखने के बाद कि सर ये आप के घर में जैसे बच्चे लोग नहीं खेलते, कई बार भी गिरा देंगे, सर इसमें गोरिल्ला ग्लास लगा है टूटेगा नहीं, सर इसकी जो क्वालिटी आती है ना तो वो आप कैसे भी हो लेकिन बिल्कुल ब्राइट इसकी फोटो खींचेगी, वीडियो की बनेगी, सर सबसे बढ़िया अच्छी है। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो और ट्रेवल करने में आपने इसको 3 घंटे भी चार्ज नहीं किया फिर भी इसकी बैटरी चलती रहेगी, तो वो व्यक्ति के दिमाग में क्लिक करेगा और जल्दी वो होगी। आपको भी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि अच्छा ऐसे होता, लोग ऐसे जो है चीज़ों को बेच देते हैं, और अब आप इसी के बारे में बोलने लगेंगे, भैया ये MI का है, MI कंपनी इतने साल से चल रही है और इसमें हमने अमेरिका से लाया मेटल लगाया हुआ है और ये ऐसा है, इसमें ये फीचर हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, लेकिन उसके उसके बारे में आपने एक भी बार नहीं बोला कि उसको क्या फ़ायदा होने वाला। तो कस्टमर ये सोचेगा भैया ठीक है आपका सब कुछ अच्छा है तो मैं क्या करूं, आपका ये अच्छा है मैं क्या करूं। तो वो एक्चुअल में ये नहीं बोलता मुझे क्या फायदा है, वो सही बोलता मैं क्या करूं, सो वॉट। तो वहां पर आपको एक्चुअल में वो ये चाहता है कि आप उसके काम की बात तो निकालें मुंह से, आप उसके काम की चीज तो बोलें, आप उसके फायदे की बात तो करें, तब तो वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेगा। तो मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फीचर्स और बेनिफिट में एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आइसक्रीम है ग्लूटेन फ्री ऑर्गेनिक नो एडिड शुगर। भैया इसमें शक्कर नहीं है, ये ग्लूटेन फ्री है, ऑर्गेनिक है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, इसका फीचर हो गया। लेकिन इसी आइसक्रीम को बेचने का तरीका गिल्ट फ्री, ऑल यू कैन ईट हेल्दी, आप इसको खाएंगे तो हेल्दी हो जाएंगे और आपको खाने में इसको कोई भी अफसोस महसूस नहीं होगा कि इसमें शक्कर है, आप इसको टेंशन फ्री होकर के खा सकते हैं। तो ये भी हुआ कि क्या फीचर होता है, क्या बेनिफिट होता है, ये भी। सेल द रिजल्ट नॉट द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपको रिजल्ट सेल करना है। उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा उसको सेल करना। ये चेयर में लेने गया तो वहां पर अगर फोटो में लगा हुआ है ये चेयर बनी हुई है इमेज में और एक व्यक्ति आराम से बैठा हुआ और उसमें छोटा सा मैसेज लिख दिया फील द कंफर्ट, मतलब कंफर्ट को महसूस कीजिए, तो बस व्यक्ति समझ गया भैया यही कुर्सी लेना हमको, क्यों, क्योंकि हमको कंफर्ट को महसूस करना है, है ना। अब उसमें लिख देता इसमें ये बना हुआ है, इसकी क्वालिटी ये है, इसमें ये बना हुआ है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आप एड कैंपेन बनाएंगे इसलिए छोटा सा टेक्स्ट और एक बढ़िया सी इमेज जो दिमाग में व्यक्ति के करे और आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो सेल द रिजल्ट नॉट द प्रोडक्ट, रिजल्ट सेल करना, प्रोडक्ट सेल नहीं करना। जैसे आपका कस्टमर ये है और आपका प्रोडक्ट ये है, किसी प्रकार का ड्रिंक आप उसको बेच रहे हो और रिजल्ट क्या है कि वो ड्रिंक को, उस ड्रिंक को लेने के बाद उसमें पावर आ जाती है, तो आपको बतलाना है कि इसको लेने के बाद आपको पावर आ जाएगी। तो ये तरीका हुआ फीचर्स और बेनिफिट को बतलाने का, ठीक है। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग का एक नया स्ट्रेटजी जिसके बारे में पढ़ा, जो कि फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है। इसके बारे में यदि आपको नहीं पता तो आप कुछ भी चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में करेंगे तो वो केवल टूल्स और ऑप्शन का उपयोग रह जाएगा, वो केवल टूल्स और ऑप्शन का उपयोग रह जाएगा, उसमें कोई दम नहीं रह जाएगा उस कैंपेन में,
है ना, दम तो उसमें है, इस कंटेंट में दम है। अगर इस कंटेंट में दम है तो आप दीवार में भी कोई चीज को लिखोगे ना तो वो भी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेगी। तो एक्चुअल में असली डिजिटल मार्केटिंग यही छुपी हुई है, इसी थ्योरी में छुपी हुई है, इसी सोच में छुपी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।